गडोला गांव में हाई टेंशन लाइन का तार टूट कर गिर गया, जिससे चिपक कर एक भैंस और उसके बछड़े की मौत हो गई, जिस कारण से पशुपालक का हजारों का नुकसान हो गया। घंटों तक किसी भी विद्युत कर्मी के मौके पर नहीं आने के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव का गडोला में बारिश के चलते अचानक हाई टेंशन विद्युत लाइन 11,000 का जर्जर तार टूटकर जानवरों के घेर में गिर पड़ा, जहां पर बंधी हुई एक भैंस और उसकी पड़ियां की चिपक कर मौके पर ही मौत हो गई। तार टूटने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा विद्युत कर्मियों को दी गई, लेकिन घंटों तक कोई भी विद्युत कर्मी मौके पर नहीं आया। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों के द्वारा बिजली घर का घेराव कर लिया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं भैंस और पड़िया की मौत से किसान का हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। हमारे गांव में मेरी भैंस बंधी हुई थी और वहां पर 11,000 की लाइन चल रही है, उससे दूर करीब 20 मीटर की दूरी पर फॉल्ट होते रहे। मैंने विभाग में फोन किया, करणपाल ओमवीर दोनों पे, एक भी ने नहीं सुनी। करणपाल ने कह दिया मेरे पे फोन मत लगाओ, आवाज नहीं आ रही। ओमवीर से फोन किया, उसने कहा जैसा बार बार लाइन लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बात करता हूँ। और जब मैंने ओमवीर से ये भी कहा था, मैंने लाइन अभी टूटी नहीं है, पौधे नीचे बंधे हुए, तुरंत लाइन बंद कराओ, लेकिन नहीं कराई। लाइन टूटने से मेरी एक भैंस और एक 2 साल की पड़िया दोनों खत्म हो गई। और जय साहब लगातार लाइन लगा रहे, जो लाइन के दो दो फुट के टुकड़े हुए हैं, लाइनों पौना घंटा आधा घंटा करीब लाइन लगाते रहे, टेस्ट करते रहे, इन्होंने बंद नहीं की लाइन वोल्ट देने पर। और अब यहाँ पे शिकायत करने पर ना तो जय साहब आ रहे हैं, ना SDO साहब हैं, और ना ही ये फौजी साहब, ये कहना मैंने लाइन ही नहीं लगाई, एक दो बारी बस लाइन है, मैंने लगाई नहीं।